नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लोक आवाज पर। एक बार फिर बिहार से एक बेहद ही दिलचस्प मामला सामने आया है। चैनपुर स्वास्थ्य विभाग से एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। मरीज हॉस्पिटल जाता है इलाज कराने, पर क्या होता है जब इलाज उल्टा पड़ जाए। इसी प्रकार एक मरीज हॉस्पिटल गया था तो हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराने, लेकिन चिकित्सकों ने उसकी नसबंदी कर दी। इस बात की खबर जब उसके परिजनों तक पहुंची तो वो काफी आक्रोश में आ गए, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद युवक की शादी भी होने वाली थी। नए चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सुनील कुमार का प्रभार संभालने के बाद पहली घटना एक चुनौती बन चुकी है। यह मामला पूरी तरह जांच का विषय बना हुआ है। इसके कारण पूर्व चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राज नारायण प्रसाद एवं अन्य कर्मचारियों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। गुस्से से आग बबूला हुए युवक के परिवार वालों ने चैनपुर थाना को सूचित भी कर दिया है और न्याय के साथ कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला सामने आया तो पता चला कि चैनपुर के जगरिया गांव के युवक का हाइड्रोसील काफी बढ़ गया था, जिसका इलाज कराने हेतु आशा कार्यकर्ता को बोला गया था। उसके सहयोग से वो अपना इलाज निःशुल्क और सुलभ ढंग से इलाज अपना करवाना चाह रहा था। युवक आशा कार्यकर्ता के माध्यम से चैनपुर अस्पताल पहुंचा, जहां उसका हाइड्रोसील का ऑपरेशन होना था। डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण हाइड्रोसील का ऑपरेशन नसबंदी में तब्दील हो गया। बाद में जब युवक को इस बात की खबर लगी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं डॉक्टर्स की बात करें तो उनका कहना है ये बिल्कुल गलत आरोप है। डॉक्टर राज नारायण प्रसाद ने बताया कि युवक को नसबंदी की जानकारी दी गई थी। युवक से की गई बातचीत से पता चला उसका हाइड्रोसील बढ़ गया था, जिसको लेकर सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन करवाने आया था। ऑपरेशन भी हुआ, पर हाइड्रोसील के बदले नसबंदी का। युवक कहने लगा अब कैसे शादी होगी और कैसे दूल्हा बनूंगा, मेरे दूल्हा बनने के सपनों को डॉक्टर साहब ने चकनाचूर कर दिया, उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो अभी इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें लोक आवाज पर।